वोट हमें दें, आपके मसाइल हल करेंगे। लेकिन उन दावों और वादों का क्या जो 5 साल कबल किए गए थे? 2018 के आम इंतखाबात से एन ए 250 के आवाम की क्या तवक्कात हैं? सियासी पंडितों के दावों और वादों को यहाँ के बासी कैसे देखते हैं? आइए उनसे जानते हैं। कराची का हल्का एन ए 250 जो मुश्तमिल है पाकिस्तान की सबसे बड़ी कच्ची आबादी औरंगी टाउन और साइड सब डिवीजन के इलाकों पर। इलेक्शन 2013 में यहां से कामयाब हुए एमक्यूम के ख्वाजा सोहेल मंसूर। इस मरतबा पंजा आजमाई के लिए मैदान में उतरे हैं एमक्यूम के फयाज कायम खानी, एमएमए के हाफिज नईमुर रहमान और पीएसपी के हफीजुद्दीन समेत दीगर रहनुमा। एन ए 250 में कुल वोटर्स की तादाद 4,675 है, जिनके लिए 275 पोलिंग स्टेशन और 889 पोलिंग बूथ बनाए जाएंगे। हल्का एन ए 250 में कचरा, गंदगी, सीवरेज के तबाहाल निजाम के अलावा सबसे बड़ा मसला पीने का पानी। इस इलाके में कचरे के ढेर पड़े हुए हैं, जिन लोगों ने पानी के दावे किए थे इस इलाके से पानी को गायब कर दिए। इस इलाके से टैंकर माफिया को बुलाया गया, रोडों को टूटा फूटा हाल है। समझिए 2 साल से तो बिल्कुल पानी हम लोगों को मिल ही नहीं रहा, 2,000-2,500 तेरे खारा पानी मिल रहा, वो पी के बच्चों का पेट में दर्द हो जा रहा। हिचकोले खाती गाड़ियां, सड़कों की जबोहाली और इंफ्रास्ट्रक्चर की तबाही भी इंतजामिया की नाअहली का मुँह बोलता सबूत है। पहले 5 साल से कुछ नहीं हाल हुआ, तब तो कोई तवक्को नहीं है। हुकूमतें आई और चली गईं, लेकिन औरंगी टाउन के इलाका मकीनों के बुनियादी मसाइल कोई भी हल ना कर सका। वोट लिए ऐवान इक्तदार के ठंडे कमरों में बैठे, प्रोटोकॉल के मजे भी लिए, लेकिन गरीब आवाम के मसाइल ना हल कर पाए। ऐसे रहनुमाओं से 25 जुलाई को वोट की ताकत से आवाम इंतकाम लेगी। कैमरामैन अतर अब्बास के हमराह वलीद अहमद, 24 न्यूज़, कराची।